घुटना रिप्लेसमेंट करवाने के बाद क्या पालथी लगा सकते हैं और सीढ़ियां उतरने चढ़ने में कितना समय लग सकता है? अब एक रिकवरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन उठते हैं कि क्या नी रिप्लेसमेंट के बाद पालथी लगाना, नॉर्मल पोजीशन में जैसे इंडियंस बैठते हैं, वो कर सकते हैं, सीढ़ियां उतर चढ़ सकते हैं या नहीं, और कितना हेवी काम कर सकते हैं। मतलब बेसिकली सभी पूछते हैं कि भाई डिफ़िकल्ट मुश्किल काम वगैरह कर सकते हैं कि नहीं। अगेन ये पेशेंट्स की विल पावर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर पेशेंट चाहे तो वो जोर के काम कर सकता है। पालथी लगाना भी है कि अगर पेशेंट्स ऑपरेशन से पहले उनको लगता है कि भाई वो पालथी लगा सकते हैं तो लगाते रहें, क्योंकि उससे मसल स्ट्रेचेबल रहते हैं, तो ऑपरेशन के बाद भी पालथी लगाना आसान होता है। जिनके नी स्टिफ होते हैं ऑपरेशन से पहले, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है, लेकिन फिजियोथेरेपी अगर आप रेगुलरली कराते हैं तो आप पालथी लगा भी सकते हैं, क्योंकि मसल स्ट्रेच हो जाते हैं। फिर अगेन क्वेश्चन उठता है कि फिजियोथेरेपी कितनी चाहिए, तो फिजियोथेरेपी भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कई पेशेंट्स होते हैं जो खुद एक्सरसाइज इतनी बढ़िया कर लेते हैं कि उनको फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। कई लोग खुद नहीं कर सकते, तो उनकी अच्छी रिकवरी होए इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि वो फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी कराएं, ताकि बढ़िया रिजल्ट आए। हमारा काम सिर्फ नी रिप्लेसमेंट करना है, लेकिन रिजल्ट्स पेशेंट्स के हाथ में होते हैं। पेशेंट अच्छी एक्सरसाइज करें तो रिजल्ट अच्छे आते हैं, पेशेंट एक्सरसाइज अच्छी नहीं करें तो रिजल्ट्स हो सकता है कि बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी, अगेन आपकी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रांग हैं, आप सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकते हैं। क्वाड्रिसेप्स वीक हैं तो सीढ़ियाँ उतरनी चढ़ने में मुश्किल आएगी। फिर लोग कहते हैं कि हैवी काम, भारी वजन उठाना, अगेन क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं जिनको बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है। खुद करिए या फिजियोथेरेपिस्ट कराइए, आपके क्वाड्रिसेप्स स्ट्रांग हो गए तो आप सारे डिफ़िकल्ट काम कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपके घुटने अगर कम ख़राब हैं, आपके क्वाड्रिसेप्स वीक नहीं हुए हैं, तो रिजल्ट्स बहुत एक्सीलेंट आते हैं। लेकिन अगर आपने नी रिप्लेसमेंट को डिले करते जाते हैं और क्वाड्रिसेप्स इतने वीक कर लिए हैं, तो नी रिप्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन क्वाड्रिसेप्स अगेन उनको स्ट्रांग करने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स थोड़े से डिले हो जाएंगे। अब नी रिप्लेसमेंट से अगेन बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि नी रिप्लेसमेंट होता है ये, इसमें अलग अलग ब्रांडेड आते हैं, अलग अलग मटेरियल्स आते हैं, नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है तो उसमें चीरा छोटा लगता है, ब्लड लॉस होता है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं नी रिप्लेसमेंट पे, जो मैं अपने यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर कंटिन्यूसली जानकारी देता रहूँगा। बट उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए